प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। लेटेस्ट मेडिकल अपडेट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये MSWA की तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट है, तो हम आगे देखेंगे, पहले हमने एक न्यूज देखेंगे। गाइज, आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें प्रवीण राणे जी ने CMG से कुछ क्वेश्चंस किए। तो अभी ये कोर्ट का डिसीजन है MAHS UG मेडिकल एग्जाम्स के बारे में, तो चलिए देखते हैं। पेटिशनर्स हैव अप्रोच कोर्ट एट द 11th hour। बॉम्बे AHC रिफ्यूजेज टू स्टे फिजिकल कंडक्ट ऑफ MAHS UG मेडिकल एग्जाम्स। द बॉम्बे हाई कोर्ट टुडे रिफ्यूज टू स्टे द फिजिकल कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन अमिड द COVID-19 पैंडेमिक फॉर फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस नासिक MAHS। मतलब कि मुंबई हाई कोर्ट ने एग्जाम्स पे स्थगिति देने को मना किया है। हाई कोर्ट ने भी ये कंफर्म किया है कि 8 सितंबर से एग्जाम होने वाली है फिजिकल मोड से। माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे 8 सप्टेंबर 2020 पासून आरोग्य विद्यापीठाची परीक्षा होणार आहे, याबाबत आरोग्य विद्यापीठाचे प्राप्त पत्र। तो गाइस, आज का लेटर है, आप देख सकते हो आज की डेट। प्रति अध्यक्ष मेडिकल स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन MSWA विषय दिए हुए आपले पत्र महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या कुलगुरु व परीक्षा नियंत्रकांच्या वर तात्काळ निलंबनाची कार्यवाही। मतलब कि विद्यापीठ के कुलगुरु और परीक्षा नियंत्रक को तत्काल निलंबित किया जाए, इसके लिए ये पत्र है। दूसरा पॉइंट, आपले पत्र सर्व वैद्यकीय शाखेच्या पदवी शेवटच्या वर्षातील परीक्षा उन्हाळी सत्र 2020 8 सप्टेंबर 2020 परीक्षा घेणे बाबतचे सुधारित वेळापत्रक महाराष्ट्र शासनाने अवर सचिव महाराष्ट्र शासन यांच्या आदेशाद्वारे जाहीर करण्याबाबत। मतलब की 8 सितंबर से जो भी एग्जाम होने वाले है उन नया टाइम टेबल अपडेट करने के बारे में। नीचे हाईकोर्ट में ये केस जाने वाला है, इसके बारे में लिखा गया है। अगले मेडिकल अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। Thanks for watching and please subscribe my Nature Travel channel.